यहां के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है, लेकिन कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं, जहां बिहारी मतदाता, उत्तर प्रदेश के मतदाता, हरियाणा के मतदाता, कहा जाए तो पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है। क्या आप मानते हैं कि इस बार भी चुनाव मोदी वर्सेस एंटी मोदी है, और खास तौर पर जो तमगा कन्हैया कुमार पर लगा हुआ है, दिल्ली की जनता उनको एक्सेप्ट करने जा रही है? नहीं, देखिए, एक तो है कि पूर्वांचल के जो मतदाता हैं वो तो बहुसंख्यक हैं, वहां एक कलाकार हैं और एक एक्टिविस्ट। ठीक है, मनोज तिवारी जी की भी एक अपनी स्वीकारिता है, कन्हैया कुमार जी की भी एक अपनी स्वीकारिता है, दोनों के अपने अपनी स्वीकारिता। लेकिन मनोज तिवारी जहां पर थोड़ा विनम्र लगते हैं, सहज लगते हैं, कन्हैया कुमार थोड़ा एग्रेसिव तरीके से चीजों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो जनता तय करेगी कि उनके दिल में कौन बसेंगे, मनोज तिवारी रहेंगे, कन्हैया कुमार रहेंगे, दोनों अपने अपने तरीके से चीजों को कनेक्ट करेंगे। आज ही मैं देख रहा था मनोज तिवारी अपने 10 वर्षों के किए हुए कार्यों की चर्चा वो कर रहे थे कि अगर नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने का, दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिला तो हमने उसकी बेहतरी के लिए किया, कौन कौन सी योजनाओं को हमने आका। जोर जोर से नारे लगाना एक पार्ट है, सोशियो पॉलिटिकल बात करना एक बात है, चीजों को एग्जीक्यूट करना दूसरी बात होती है। ठीक है, राजनीति में इसकी भी जरूरत होती है कि मंच से आप अपने तरीके से संवाद करते हैं और वो संवाद जनता से कनेक्ट होता है, लेकिन केवल संवाद ही सब कुछ नहीं होता। संवाद के साथ साथ अगर आपका परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, लेफ्ट के लिए हो, राइट के लिए हो, जिसके लिए भी हो, तो वो चीजें लोगों को अपील कर। तो कन्हैया को उतारा है कांग्रेस ने, कल तक तो कन्हैया लेफ्ट के साथ खड़े थे, लेफ्ट के बाद ये कांग्रेस के साथ आ गए हैं, कांग्रेस ने भरोसा किया है, इनको उतारा है, जाइए मनोज तिवारी जी को आप हरा करके आइए, आपको मैदान हम देते हैं। लेकिन ये हराने जिताने का काम तो जनता करती है। अब मोदी जी के कार्यों को, उनकी लाभार्थी योजनाओं को, मोदी जी के जो एंटी इनकमबेंसी है, इसका कितना वो फायदा उठा पाएंगे कन्हैया, ये तो उनकी बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं, बिहार में भी बेगूसराय में ये चुनाव लड़े थे, बहुत अपील नहीं कर पाई थी लोगों को इनकी बात, वो सारे लोग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से आए थे और इनके लिए कैंपेन भी उन्होंने किया था, अपील नहीं कर पाए थी इनकी बातें, और कन्हैया चुनाव में परिणाम नहीं दे पाए थे। एक बार फिर मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा गया है, और संवाद और लोग दोनों सुनने और समझने वाले लोग इसलिए हैं कि वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, बिहार और उत्तर प्रदेश के ही मैक्सिमम लोग वहां हैं, तो मनोज तिवारी भी अपने 10 वर्ष की उपलब्धियां गिनाएंगे, कन्हैया कुमार मोदी जी के कार्यों की आलोचना करेंगे, और जिस अंदाज में वो अटैक करते हैं उस अंदाज में, उस तेवर में तालियां तो मिलेगी इनको, लेकिन तालियां वोट में परिणत नहीं होती है, भीड़ भी वोट का हिस्सा नहीं होता है, भीड़ अलग होती है, वोट अलग होता है, क्योंकि वोट करते समय लोगों का मन मस्तिष्क बड़ा ही कैलकुलेटिव होता है, इनके हिस्से में अगर हम वोट देते हैं इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इनको वोट करते हैं इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। मंचों पर जब वो लोग बोलते हैं तो भाषण सुनने के लिए भीड़ जुट जाती है, लेकिन वो भीड़ वोट के समय में बड़ा कैलकुलेटिव हो जाती है। अच्छा है कन्हैया कुमार एक युवा चेहरा है, धारदार तरीके से आलोचना करते हैं और आलोचना को कोरिलेट करते हैं, उसके साथ कूट जो होता है वो व्यंग का, हास्य का, वो सब कुछ देते हैं, और मोदी जी को कटघरे में पूरी तरह से खड़ा करते हैं। कांग्रेस को शायद ये बातें अपील भी करती है कि एक ऐसा साहसी नौजवान, अब जब वो बात करेंगे तो उसमें जय शाह को ले आएंगे, अब जय शाह की बात अपील करती है कि भाई परिवारवाद पर अगर मोदी जी अटैक करते हैं तो हमारे पास भी एक नौजवान है जो परिवारवाद पर अटैक करता है।